हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद आबिद मोहिद्दीन और आप देख रहे हैं गुलबर्गा ऑनलाइन। आप सबका वेलकम करता हूं गुलबर्गा ऑनलाइन में। चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम जिसका नाम है अखबारनामा डेली न्यूज विद सैयद आबिद, और देखते हैं गुलबर्गे की कुछ सुर्खियां। कोरोना वायरस की वजह से जिले गुलबर्गा में मजीद 8 अफराद मुतासर, जिनकी तस्वीरें कुछ इस तरह है। शहर में कोरोना का कहर जारी है, कल मजीद 8 अफराद की तस्दीक हुई है। ये बात डिप्टी कमिश्नर शरद बी ने बताई। इन्होंने बताया कि मरीज नंबर 848 के रास्ते से खोबा प्लाट के साकनान 33 साल खातून, 15 साल, 14 साल और 10 साल लड़की और 55 साल और 60 साल दो अफराद मुतासर हुए हैं। इसी तरह मरीज नंबर 927 के रास्ते से हमनाबाद बेस के साकिन 50 साल खातून और चितापुर तालुके के बेड़ेगा तांडे की 30 साल खातून, जो महाराष्ट्र से जिले को पहुंची थी, मुस्बत पाई गई है। इस खातून को मुरारजी देसाई क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किया गया है और साथ ही साथ एक मरीज डिस्चार्ज भी हुआ है। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा शरद बी ने बताया कि शहर के मोमिनपुरा इलाके की 40 साल खातून मरीज नंबर 529 को आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में जुमला मुस्बत मामला की तादाद 94 हो गई है और 47 अफराद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक 7 मरीज फौत हो चुके हैं और 40 मरीजों का शहर के ESIC हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। डेंगू, चिकनगुनिया, बुखार, एहतियाती इकदाम करने आवाम से डिप्टी कमिश्नर शरद बी की अपील। डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल का कहना है सुलहपेट पुलिस स्टेशन का मामला सियासत पर मबनी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अहकाम की खिलाफ वर्जी बताते हुए सुलहपेट पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ मामला दर्ज कराने के पीछे सियासी मकसद है। जिले गुलबर्गा के अलावा शहर भर में 31 मई तक दफा 144 हुक्म इम्तनाम बढ़ा दिया गया है। शहर के मोमिनपुरा इलाके में रैंडम स्क्रीनिंग का आगाज कर दिया गया है। पहले दिन ही 6078 अफराद की स्क्रीनिंग दी गई, जिसमें 99 नमूनों को हासिल किया गया। दोस्तों, अभी हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह है। रुकन कानून सास काउंसिल बीजी पाटिल और बीजेपी यूथ कायद चंदू पाटिल की जानिब से शहर के मजाफात में वाकई सोनिया गांधी कॉलोनी के गरीब अवाम में राशन किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर बीजेपी कायद अब्दुल रऊफ और रफीक हरकशनी मौजूद थे। गुलबर्गा जोन के सरकारी हाई स्कूल सदर मुदर्रिसीन के लिए स्कूल इंतजामी तालीमी तरीकेकार से मुतालिक ऑनलाइन तरबियत। बिहार से ताल्लुक रखने वाले नकल मकानी के मजदूरों के लिए खुसूसी रैल का इंतजाम, नामों का इंदराज करने की हिदायत। कोरोना वायरस लॉकडाउन के पेश नजर गुलबर्गा और अतराफ व अकनाफ के अजला में मुकीम रियासत बिहार के नकल मकानी के मजदूर रैल के जरिए 20 मई 2020 को अपने वतन अपने जाती खर्च पर सफर करने के लिए महकमे रेलवे ने खुसूसी रेल का इंतजाम किया है। लिहाजा रेल के जरिए सफर करने के ख्वाहिशमंद अफराद नोडल ऑफिसर श्री हरि देशपांडे जिले मजदूर अहदेदार गुलबर्गे के मोबाइल नंबर 8660952314, आई रिपीट 8660952314 या फिर 9164046824, मैं एक बार और बता दूं 9164046824 पर रब्ता करके अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर शरद बी का कहना है कि कोविड 19 तशखीस में 8163 अफराद में कोरोना वायरस नहीं पाया गया। दोस्तों, ये खबर निहायत ही अफसोस के साथ दी जाती है कि गुलबर्गा शहर के मशहूर नातवां अलहाज मोहम्मद हुसैन कादरी इफ्तिकारी का 14 मई को बाद नमाज असर इंतकाल हो गया। बाद नमाज ईशा मस्जिद उमर फारूक यदुल्ला कॉलोनी में नमाज जनाजा अदा की गई और पानी की टंकी के जो कब्रस्तान है वहां पर उनकी तदफीन अमल में आई। इनके इंतकाल पर जो है ना बहुत सारे नात का इजहार ताजियत किया गया, बहुत सारे लोगों ने इजहार ताजियत किया है, जिनमें मुमताज नातवा अलहाज मोहम्मद हुसैन कादरी इफ्तिकारी साहब के साना इंतकाल पर अलहाज सैयद कासिम बुखारी खतीब व इमाम जामा मस्जिद संदराशवाड़ी, अलहाज कारी मोहम्मद अब्दुल जलील नातवा लियाकत अली बटली अलावा मोमिनपुरा मोहम्मद ख्वाजा गेसुदराज मोहियुद्दीन पाशा मुजहर रोजनामा इनकलाब दक्कन नातवा सैयद सज्जाद अली शाह नातवा अब्दुल रहीम पारचा और नातवा मशायख पटेल ने गहरे रंजो मलाल का इजहार किया। इसी तरह एक और खबर में मिर्जा फरहतुल्ला बेग का आज सुबह, मिर्जा फरहतुल्ला बेग का कल सुबह बाउमर 80 साल अलालत के सबब इंतकाल हो गया। नमाज जमनाजा बाद नमाज जोहर अहाता कब्रस्तान पानी की टांगी में अदा की गई और तदफीन वहीं कब्रस्तान में अमल में आई। तो दोस्तों, ये थी कुछ सुर्खियां जिले गुलबर्गा की। चलिए अब देखते हैं बीदर की खबरों की तरफ, जिसमें चिड़गुप्पा में कोरोना का एक मरीज पॉजिटिव पाया गया, जिससे अवाम में खौफ का माहौल पाया गया है। डिप्टी कमिश्नर बीदर ने इत्तला दी है कि जिले बीदर के चिड़गुप्पा में कोरोना वायरस का मरीज का एक पॉजिटिव केस सामने आया है।
मरीज नंबर 1041 जिसकी 52 साल चिरगुप्पा के मुतअक्किन जिनका इंतकाल हुआ है। इंतकाल के बाद 15 मई को इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई है जो पिछले एक माह कबल हैदराबाद के खानगी अस्पताल में जेरे इलाज थे। तो दोस्तों ये थी बीदर की एक खबर। अब चलिए बढ़ते हैं रायचूर की खबरों की तरफ, जिसमें सबसे पहले है तुअर की दाल की तकसीम का आगाज। वजीर आजम गरीब कल्याण अन्ना मंसूबे के तहत 4574 क्विंटल तुअर की दाल तकसीम की जा रही है। वो म्यारी ना होने के सबब सरबराह करने वालों के खिलाफ मानवी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है और सरबराह करने वालों को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने महकमे अहज़िया व अवामी निज़ाम तकसीम के कमिश्नर दफ्तर को सिफारिश की गई है। बाद हज़ार रायचूर जिले को तकसीम शुदा तुअर की दाल सरबराह करने नया टेंडर बुलाया गया है। 16 मई 2020 को बेहतर म्यारी तुअर की दाल आई है। रायचूर में कोरोना वायरस के 1053 नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार। बागबानी फसल को नुकसान, किसानों को इमदाद। तो दोस्तों ये थी कुछ सुर्खियां रायचूर की। चलिए अब देखते हैं यादगीर की खबरें। बल्दी वार्ड नंबर 17 पंचायत मोहल्ला गुरमिटकाल में लॉकडाउन को देखते हुए जनाब अनवर अहमद रुकन बल्दिया की जानिब से फ्रूट्स पूरे इलाके में तकसीम किया गया। इस मौके पर हसन पाशा सदर अब्दुल जब्बार मुबारक कुरेशी मुबीन व दीगर मौजूद थे। गुरमिटकाल में हामिला खवातीन के लिए खाना और अंडों की तकसीम। तो दोस्तों ये थी कुछ सुर्खियां रायचूर, बीदर और यादगीर की। चलिए बढ़ते हैं रियासत कर्नाटक की सुर्खियों की तरफ, जिसमें सबसे पहले है मदारिस 2 मरहलों में क्लासेस शुरू करने महकमे तालीमात का फैसला। PUC साले दुआम के इंग्लिश मजमून के इम्तिहान की तैयारी। सुरेश कुमार ने कहा है कि जून में SSLC इम्तिहान मुतवक्के हो सकते हैं। वजीर आला येडियुरप्पा का कहना है इज्तिमाई नमाज ईद उल फित्र की इजाजत देने से हुकूमत का इनकार। लॉकडाउन 4 में मजीद नरमी। कोरोना रियासत में मुतासरीन की तादाद 1052 हो गई है। शादी तकारीब में इजाजत लेना जरूरी, हुकूमत की तरफ से नई हिदायत जारी। LKG के तुलबा के लिए ऑनलाइन तालीम, सुरेश कुमार की बरहमी। इसकी तफसीलात कुछ इस तरह है। रकम की आस के लिए छोटे बच्चों को ऑनलाइन तालीम देने शुरू करने वाले खानगी तालीमी इदारों से मुतालिक रियासती वजीर बराए इब्तदाई व सानवी तालीम सुरेश कुमार ने बरहमी का इजहार किया है। LKG और UKG सतह के बच्चों के लिए तालीम ऑनलाइन के जरिए फराहम करने से मुतालिक शिकायत मौसूल हुई है। इसकी तस्दीक होने पर ऐसे मदारिस का रजिस्ट्रेशन मनसूख किया जाएगा। असातिज़ा के मसाइल हल करने वजीर आला का तयक्कुन। तो दोस्तों आज के अखबारनामे में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई सुर्खियों के साथ, कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुलबर्गा ऑनलाइन और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि कम वक्त में लोगों को जो है ना ज्यादा जानने का मौका मिले। गुलबर्गा ऑनलाइन को फेसबुक पर लाइक और फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल गुलबर्गा ऑनलाइन को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूले ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें या फिर लाइव आए तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया।